नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सर न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालौद पारा के आचोले अंतर्गत ब्लूमिंग बर्ड नामक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बम की अफवाह से शहर उठा नालौद पारा शहर। नालौद पारा पूर्व स्थित आचोले रोड पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात फोन ब्लूमिंग बर्ड नामक एक अंग्रेजी स्कूल में आया, जिस कॉल में स्कूल में बम होने की बात कही गई थी। देखते ही देखते आचोले रोड स्थित ब्लूमिंग बर्ड नामक अंग्रेजी स्कूल पूरा छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आचोले पुलिस की टीम व वसई विरार मनपा की दमकल की गाड़ियां इस स्कूल परिसर के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, डरे सहमे छात्रों के परिजन जल्दी जल्दी डरते सहमते हुए अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर को निकलते दिखाई दिए। आखिर यह सब माजरा क्या था, तो हम आपको बता दें कि दोपहर के 4 से 5 के बीच ब्लूमिंग बर्ड नाम के इस अंग्रेजी स्कूल के लैंडलाइन फोन पर एक अज्ञात कॉल आया, जिसमें कॉलर ने फोन रिसीवर को कहा कि किसी एक छात्र के बैग में बम है। इस कॉल के चलते स्कूल प्रशासन के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत उसकी जानकारी अपने नजदीकी आचोले पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर आचोले पुलिस दलबल के साथ ब्लूमिंग बर्ड स्कूल में पहुंच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी स्कूल में पहुंचे और जल्द से जल्द स्कूल खाली करवाया गया। वहीं बम निरोधक दस्ते को भी जल्दी बुला लिया गया और फिर पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि प्रथम दृष्टया यह मामला एक अफवाह दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक स्कूल में इस तरह से फोन कर बम की अफवाह उड़ाने वालों का असली मकसद क्या है और वो अज्ञात कॉलर कौन है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। ज्ञात हो हमारा देश कल अपनी आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और आजादी की वर्षगांठ के एक दिन पहले इस तरह से एक स्कूल में बम की होने की अफवाह कोई साधारण बात नहीं है। वीडियो में आगे सुनिए मौका वारदात पर पहुंचे नालासोपारा एसीपी को। बैग में बम रखा गया है, उसी वक्त पुलिस यहां पे पहुंची है। पुलिस ने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी टीचर हैं उनको बाहर निकाला है, पूरे तरह से स्कूल को इवैक्यूएट कर दिया है। हमने वीडीडीस टीम भी बुलाई है, वीडीडीस टीम चेक करेगी इसमें सच्चाई है अगर ये अफवाह है। हमारी लोगों से यही अपील है, आप ऐसी कुछ चीज दिखती है तो आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करें और किसी भी अफवाह पे भरोसा मत करें। अभी कुछ सेंसिटिव लग रहा है आपको, कुछ है जो भी है हम सेंसिटिव करके ही समझ के उसके इशू भी फॉलो करके और पूरा क्लियर कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।